बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि न्यायपालिका का आपस में भिड़ना चिंता की बात है। मायावती पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह ठीक ही कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि संविधान का अच्छा या बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर अमल करने वाले लोग कैसे हैं, उनकी नीयत अच्छी है या बुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भाजपा और एनडीए की सरकार न होकर पूरे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार होकर रह गई है। उसकी नफरत व विघटनकारी सोच के मुताबिक ही अब संवैधानिक व लोकतांत्रिक संस्थानों को भी किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करके हर वह काम करने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह संविधान की मंशा के खिलाफ है तथा उसकी पवित्रता को भी भंग करता है। उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में देश की संवैधानिक व लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी असली जिम्मेदारी किस हद तक निभा पाएंगी, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह भी एक ऐतिहासिक सच है कि एक समय में जब विपक्ष लगभग ना के बराबर रह गया था, तब उस समय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा था और देश निश्चित था कि अपने देश में लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन अब न्यायपालिका खुद ही आपस में भिड़ी हुई है, जो कि काफ़ी चिंता की बात है। गौरतलब है कि दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि शीर्ष अदालत में सब कुछ ठीक नहीं है और अनेक अपेक्षा से कहीं कम चीज़ें हो रही है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती का 62वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर मायावती ने माल एवेन्यू में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कांग्रेस और भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी वाले नरेंद्र मोदी जी इस बार गुजरात में बेघर होते होते बचे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस और भाजपा ने हर वर्ग को नुकसान पहुँचाया है। आज हर राज्य में सांप्रदायिक और जातिवाद माहौल बनाया जा रहा है। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।